मित्रों, लोकसभा चुनाव का प्रारंभ जब हुआ, यानी जब आगाज हुआ, तो आपने एक गठबंधन का मरसिया सुना, यानी एक गठबंधन तिरोहित हो गया, वो था यूपीए। अब यूपीए का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। अब जो जो लोकसभा का चुनाव अपने अंजाम पे पहुंच रहा है, तो अब इंडी गठबंधन जो है उसका भी मुझे लगता है कि वो अपनी अंतिम तिलांजलि की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस अंतिम चरण के चुनाव परिणाम में यदि आप देखें तो जो मुख्य रूप से जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पंजाब, जहां इस इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश, वहां इंडी गठबंधन था ही नहीं, हमारा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला, उत्तर प्रदेश, वहां पे अगर आप देखें तो हमारा और समाजवादी पार्टी का मुकाबला और कांग्रेस वहां सेकंड फिडल रोल में, बिहार में जो इंडी गठबंधन था उसके सूत्रधार राष्ट्र की मुख्यधारा में पहले ही आ गए थे। अब आइए पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे से लड़ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान देखिए, यहां तक कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़गे जी के भी, मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के ऊपर भी आपत्तिजनक। इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। और फिर आप मजेदार बात यह देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में 3 लोग, 2 बिटवा और 1 बिटिया, मतलब राहुल जी और मीसा भारती, और तीनों बैठ के ज्ञान दे रहे थे, बांच रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या होगा, जबकि अगर देखा जाए तीनों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेसी की बात करते थे, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी की, दे हैव डन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी, अपनी विरासत को विध्वंस किया है। और इनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार है कि राहुल गांधी जी, उनके पिताजी 414 सीटें लेके आए थे और वो 44 सीटों में आए, उस जमाने में 85 सीटें होती थी और राजीव गांधी जी के जमाने में 84 जीती थी कांग्रेस ने, एक सिर्फ बागपत हारी थी, और इनके जमाने में 1 जीती 2019 में रायबरेली, बाकी सब हारे। मीसा भारती जी अपना चुनाव स्वयं हारी, और तेजस्वी यादव जी, मतलब 3 बार लालू यादव जी और राबड़ी जी प्रधान मुख्यमंत्री रहे, परंतु उसके उपरांत भी तो एक बार भी सरकार का 1.5 साल भी पूरा नहीं कर पाए। तो आप स्वयं सोच लीजिए, जिसे एक पुराने गीत की पंक्ति है ना, चिठिया हो तो हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, तो इनके जो कर्म है वो स्वयं दिखा रहे हैं कि वो एक ही दूसरे के साथ बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए। और वास्तविकता यह है कि उनकी स्वयं की स्थिति उनके अपने कर्मों से यदि विचार करें तो और स्पष्ट हो जाती है। अब आप बंगाल में आइए, तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी, जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी संकेत पहले ही देखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है। दूसरा एक विषय यह भी कि पंजाब में आपने देखा कि वहां सरकार के एक मंत्री बलकार सिंह का एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो आया है, उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे। आप सोचिए, ये पार्टी वही है जो दिल्ली में अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार करती है और उसके बाद निर्लज्जता के साथ उसका चरित्र हनन करती है, और इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता है, और उसके बाद भी ये सब लोग अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए संवेदना के साथ और प्रबलता के साथ इसका सही उत्तर देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने साक्षात्कार में और अपने उद्बोधन में यह बात कही है कि पंजाब में जो सरकार आई है वो एक प्रकार से अर्बन नक्सल माइंडसेट की सरकार है, इसीलिए जब से यह सरकार आई है पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। और अभी सीएमआई की जो एक रिपोर्ट आई कि फर्स्ट ईयर में पंजाब में जो इन्वेस्टमेंट है वो 85% गिर गया, 2022 में जो इन्वेस्टमेंट था 23,655 करोड़ रुपए था, वो 3,492 करोड़ रुपए पे आ गया, और अगर इस वर्ष का देखेंगे तो और भी नीचे आ गया होगा। यह दर्शा रहा है कि पंजाब जो उत्तर भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है, जहां पर कि एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बहुत प्रबलता के साथ बढ़ता हुआ माना जाता था, इस सरकार के आने के बाद संभवतः रीसेंट हिस्ट्री पंजाब में सबसे गहरी गिरावट देखने को मिली है। तो यह दर्शाता है कि इनके शासनकाल में किस प्रकार की स्थिति पंजाब की पहुंची है और इनके गठबंधन की
किस प्रकार की गति और दुर्गति हो रही है, जिसके लिए वो तीन लोग बैठकर जितने भी प्रकार की विवेचना करें, परंतु उसके साथ देश की जनता सिर्फ संवेदना ही दिखा सकती है। और एक विषय जो लोग बार बार बहुत उठाते थे, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से आरक्षण के विषय के ऊपर, मुस्लिम आरक्षण को जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों को धता बताते हुए किया गया, उसके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की थी। परंतु ये लोग संविधान बदलने की बात करते थे और स्वयं इनका मनोभाव क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी का ये वीडियो है। आरक्षण की बात की क्या, वो हवाई वादा नहीं है। हमारी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार पे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है तो आरक्षण आबादी के हिसाब से दे। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से संविधान संशोधन के लिए भी पक्ष में है। मतलब आप समझिए संविधान संशोधन के पक्ष में है, अर्थात जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वो इनका मंतव्य है। ये पहले भी लिख भी चुके हैं, कह भी चुके हैं और कर भी चुके हैं, यानी तीनों स्टेप पे काम कर चुके हैं। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, पहले एसटी हसन इनके सांसद कह चुके हैं कि संविधान संशोधन करके किया जा सकता है। इसलिए बहुत साफ है कि संविधान निर्माताओं का भाव, सर्वोच्च न्यायालय का भाव, संविधान का मूल भाव, उस सबको वोट बैंक के तराजू पर तौल कर एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को दरकिनार करके, अथवा यूं कहें कि उसे रौंद कर, ये अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस का 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का 2012 यूपी विधानसभा का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश में लिया गया निर्णय देख लीजिए, हाल में कर्नाटक सरकार का निर्णय देख लीजिए, और अभी अखिलेश यादव जी का यह बयान। इसके बाद सब कुछ दूध का दूध पानी के पानी की तरह बहुत साफ हो जाता है। यानी अब यह बात बहुत स्पष्ट है कि अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से इस गठबंधन का अंतर विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ना इलेक्शन तो अंतिम चरण में आ गया, तो उसके बाद तो अपने असली रंग दिखाने वो शुरू ही करेंगे। और मैं एक बात और इन सारे प्रदेशों की जनता से, जहां जहां इन चुनाव बाकी है, मैं साफ कहना चाहूंगा कि जब स्पष्ट है कि पंजाब और बंगाल में ये दल आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको वोट देना मेरे विचार से बहुत विवेकपूर्ण ढंग से जनता को विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत साफ है कि जब उनके बीच में इस तरीके का संबंध है कि दिल्ली में एक दूसरे से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्यार था और पंजाब में जूतम पैजार है, तो आप बहुत साफ समझ सकते हैं कि इनको वोट देना एक प्रकार से अपने वोट को व्यर्थ करना है, क्योंकि उनको मिला वो उनकी आपसी लड़ाई के अतिरिक्त और उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए स्पष्ट रूप से अब हमें साफ दिख रहा है कि अंतिम चरण आते आते देश की जनता ने यह सारी बातें देख ली है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से, जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, उसकी तरफ जा रही है। और देश की जनता निर्णायक रूप से पूरी भावना के साथ और पूरे समर्थन के साथ उसके साथ खड़ी है। इसीलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि राहुल इंडी और घमंडी, राहुल इंडी और घमंडी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है।